राजधानी दिल्ली में जहां लोग पानी की बूंद बूंद को मोहताज हैं, वहीं साउथ दिल्ली के बाबा गंगनाथ रोड पर पिछले कई दिनों से रोजाना कई लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। अजीत जी, पानी कितने दिन से बह रहा है यहाँ पर? 3-4 दिन से बह रहा है पानी, काफी मतलब ज्यादा ही पानी गिर रहा है, मतलब काफी लोगों की प्यास भी बुझा सकती है। लोग आपके घर में जाती है, फिर भी ये पानी पता नहीं क्यों छूट गया, कोई इसका देखभाल करने वाला ही ना। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बाबा गंगनाथ रोड पर पिछले एक हफ्ते से पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है, जिसकी वजह से रोजाना लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। और आने जाने वाले लोग बताते हैं कि पानी इसी तरीके से बहता रहता है और कोई भी जल बोर्ड का कर्मचारी यहाँ नहीं पहुँचता। वहीं दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली वाले पानी की बूंद बूंद को भी मोहताज हैं। ये नज़ारा साउथ ईस्ट दिल्ली के ओखला इलाके का है, जहां लोग टैंकर के सहारे अपना जीवन बिता रहे हैं। और इलाके के लोगों का कहना है कि टैंकर भी यहां कम आते हैं, जिससे पानी की किल्लत काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। इसके ऊपर क्या कहूँगी, कहूँगी कि पानी नहीं टाइम से आ रहा है, टैंकर भी नहीं टाइम से दे रहे लोग, और सुबह से शाम हो जाता है यहाँ बैठे बैठे। लिहाजा सरकार कितने भी दावे कर ले, लेकिन दिल्ली वालों की पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसकी वजह से लोग सरकार को भी कोस रहे हैं कि सरकार सिर्फ वादे करके चली जाती है, लेकिन समस्या का समाधान कोई नहीं करता और हालात जस के तस बने रहते हैं। नवोदय टाइम्स के लिए राकेश सोनी की रिपोर्ट, दिल्ली।